एक्सी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th एग्रीकल्चर का लेसन नंबर 1 है, जिसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि पादप पूरे स्थापन है वह किसे कहते हैं। तो आज अपने पादप पूरे स्थापन से होने वाले लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक में नोट करना, पादप पूरे स्थापन से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डालिए पादप पुरस्थापन के लाभ। तो इसमें एक नंबर आप नोट करेंगे, इसके द्वारा नई फसलें प्राप्त की जाती हैं। क्या एक लाभ है? इसके द्वारा नई फसलें प्राप्त की जाती हैं। फिर उसके बाद में सेकंड लाभ है, इसमें बिना चयन यानी बिना चयन किए भी अपने संकरण करवा सकते हैं, तथा संकरण किए गए नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती हैं, जिससे अपने में क्या समय की बचत होती है, श्रम यानी मेहनत ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती, धन की बचत होती है। तो पादप पुरस्थापन का दूसरा लाभ ये है कि बिना चयन के और संकरण के अपनी उन्नत किस्में प्राप्त कर सकते हैं। फिर है फसलों को रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुरस्थापित, ऐसा स्थान जहाँ पर बिल्कुल भी फसलों में रोग न होता हो और कीटों से मुक्त क्षेत्र हो, वहां पर उस किस्म को उगाया जा सकता है और रोगों और कीटों से उस फसल में रक्षा की जा सकती है। फिर आगे चार नंबर लाभ है इसका, वैज्ञानिक है वो अपने नए नए प्रयोग करने के लिए जो उनको पादप प्रजातियों की आवश्यकता होती है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके पादप पुरस्थापन के चार लाभ हैं, जिसमें नई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं, दूसरा समय श्रम व धन की बचत होती है, तीन नंबर है रोग मुक्त व कीट रोधी किस्में विकसित की जा सकती हैं, वैज्ञानिक अनुशोध के लिए नई नई किस्में प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे हेडिंग डालिए पादप पुरस्थापन की उपलब्धियां, जो पादप पुरस्थापन किया गया उसके द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां, मतलब कौन से क्षेत्र में अपने प्रगति की है। तो एक नंबर तो इसमें नई फसलें प्राप्त की जा सकती है, दूसरा है नई किस्में प्राप्त की जा सकती है। तो नई फसलें कौन कौन सी प्राप्त की गई हैं? आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर, गन्ना, ये सारी नई फसलें पादप पुरस्थापन द्वारा बनाई गई हैं। और कुछ फसलें जो बना चुके हैं लेकिन उनकी नई किस्में अलग और भी पादप पुरस्थापन द्वारा तैयार की गई है, उसमें धान की जो किस्म है TN1 एक किस्म है, दूसरी धान की IR8, फिर आगे IR28 मतलब IR28 नई किस्म, IR36 ये सारी धान की किस्में हैं। फिर है गेहूं की किस्में, कौन कौन सी गेहूं की किस्में है? रिटले, ये आदत है रिटले, लर्मा, रोहो, अगली सोनारा, 64, ये सारी गेहूं की नई किस्में पादप पुरस्थापन द्वारा तैयार की जा चुकी हैं। अब आप आगे जो पादप पुरस्थापन के अभी अपने लाभ पढ़े हैं, इसके अलावा पादप पुरस्थापन के कुछ दोष भी होते हैं जिन्हें अपने नोट करेंगे। तो हेडिंग डाले पादप पुरस्थापन के दोष, फिर पादप पुरस्थापन के दोष। तो पादप पुरस्थापन के लाभ के साथ साथ कुछ फसलों में दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन कौन से दोष है उसमें एक नंबर नोट करेंगे, जो पुरस्थापित किस्म है उसकी प्रजातियां या विभेद के साथ साथ खरपतवार भी हैं, वो प्रवेश हो जाते हैं नए क्षेत्र में। मान लो अपने कोई फसल है ऐसे स्थान से लेकर आते हैं और उस स्थान पर उगाते हैं जहां पहले वह नहीं पाई जाती, तो नए स्थान से जब वो फसल लेके आते हो तो उसके साथ में कुछ खरपतवार भी साथ में आ जाते हैं और वह नए स्थान पर उग जाते हैं, जैसे सत्यानाशी, गेहूं के जैसे दिखने वाला गेहूं सा खरपतवार। तो ये इसका पहला दोष है। फिर आगे दूसरा दोष लिखेंगे कौन सा है, पुरस्थापित किस्म के साथ देश में नए रोग होते हैं, उनके रोगजनक भी प्रवेश कर जाते हैं।
कॉफी के साथ आने वाला रोग कौन सा है? कॉफी किट रोग। तो कॉफी किट रोग के रोग जनक भी उस प्रजाति के साथ आ गए। फिर आगे तीन नंबर दोष कौन सा है? कई पूरे सप्त प्रजातियां होती है, वह अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में भी फैल जाती है। यानी कुछ ऐसी प्रजाति होती है जिन्हें पहले कुछ लाभ के लिए उगाया जाता है, लेकिन बाद में वो अपना इस प्रकार से रूप ले लेती है जिसे जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता, तो वह अनिष्टकारी खरपतवार कहलाती है। जैसे जलकुंभी, इसे प्रारंभ में सजावटी पौधे के रूप में जलाशय में उगाया गया, लेकिन जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती गई तो इसने एक अनिष्टकारी खरपतवार का रूप ले लिया, क्योंकि जलकुंभी के जो पुष्प होते हैं वो बैंगनी सजावट के रूप में काम में लिए जाते थे, तो ये विदेशी प्रजाति थी। फिर आगे चार नंबर है इसका दोष, कुछ पुरस्थापित प्रजातियों से पारिस्थितिक संतुलन पर भी खराब प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिक संतुलन मतलब परिस्थिति, जो वातावरण है वहां पर कुछ ना कुछ वायुमंडल में कमी आ जाना, तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो कौन सी किस्म है जिसके कारण पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो यूकेलिप्टस यानी सफेदा बोलते हैं इसे, इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत अधिक लंबी होती है। लंबी होने के कारण पादप तो बहुत वृद्धि करता रहता है, लेकिन उसकी जो भूमिगत जड़ें होती है वो भूमि में जल भंडारों में बहुत अधिक कमी कर देती है, क्योंकि वह जल को अधिक खींचती है, अवशोषित करती है। तो पूरे स्थापित किस्मों से पारिस्थितिक संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे पादप पूरे स्थापन के दोष थे। तो इसे नोट करने के बाद आप आगे नोट करेंगे, अगला टॉपिक है पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन इसी से संबंधित है, किसे कहते हैं पुनरुत्पादन? तो किसी प्रविष्टि के यानी कोई ऐसी प्रजाति है उसके बीजों को खेत में उगाने और इन पौधों से नए बीज या प्रवर्त प्राप्त करने। पहले एक किस्म ली, उस किस्म को अपने खेत में उगाया, उगाने के बाद में जो बीज प्राप्त हुए हैं उन बीजों से नई किस्म तैयार करना पुनरुत्पादन कहलाता है। पुनरुत्पादन मतलब दोबारा उत्पादन करना। तो बीज को खेत में उगाकर फिर उसके जो बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों को पुनरुत्पादन क्रिया में नई किस्म तैयार करते हैं। आनुवांशिक अपरदन, तो आनुवांशिक अपरदन की परिभाषा लिखेंगे आप, कृषि प्रारूप यानी कृषि के लिए जिन प्रारूपों या प्रजातियों का उपयोग किया जाता है एवं उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित, जंगली संबंधी है उनमें जो उपस्थित विविधता होती है उनमें धीरे धीरे कमी आना आनुवांशिक अपरदन कहलाता है। तो जो कृषि के प्रारूप है या उनके जंगली संबंधी है उनमें जो विविधता होती है उस विविधता में धीरे धीरे कमी आता जाना आनुवांशिक अपरदन कहलाता है। फिर अब है आनुवांशिक अपरदन के कारण। तो आनुवांशिक अपरदन है वो किन किन कारणों से होता है? तो उसमें एक नंबर नोट करेंगे विविधतापूर्ण यानी विविधता विविध किस्में जो होती है, देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्में उगाना। जो अलग अलग प्रकार की किस्में होती है उन किस्मों के स्थान पर जो वर्तमान में उन्नत किस्में हैं उन्हें उगाना, ये आनुवांशिक अपरदन का कारण है। फिर दो नंबर है खेती की सुधरी पद्धतियों के कारण। जो खेती की अब वर्तमान में सुधरी हुई पद्धतियां उनके कारण बहुत से जंगली प्रारूप हैं वो समाप्त हो चुके हैं, जिनका अपने विकसित विधि यानी आधुनिक विधियां उनके द्वारा कृषि की जा रही है, तो जंगली प्रारूप हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। फिर तीन नंबर नोट करेंगे बढ़ती जनसंख्या के कारण। तो जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण भी जंगली क्षेत्रों को खेती व चारागाह के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो भी आनुवांशिक अपरदन होता है, क्योंकि जंगली प्रजातियां वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, चारागाह के रूप में यदि उनका उपयोग कर लिया जाता है, या फिर उस जंगली क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है। तो औद्योगिक विकास के लिए जंगली क्षेत्रों को उपयोग में लेते हैं उसमें कौन कौन से क्षेत्र, जैसे रेल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र आदि का निर्माण किया जाता है। फिर आगे लास्ट कारण है इसका नई खरपतवार जो
जो नई खरपतवार है उसके कारण फसलों के जंगली संबंधियों का अंश क्या पूर्ण लोप हो जाता है। तो खरपतवार यदि प्रजाति के साथ में आते हैं तो जंगली संबंधी वो या तो धीरे धीरे नष्ट होते हैं आंशिक रूप से या फिर उनका पूर्ण रूप से ही समाप्त हो जाना। तो ये सारे अनुवांशिक अपवर्तन के प्रमुख कारण थे। तो आज अपने इस वीडियो में जितना पढ़ा है उसे नोट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।